नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रही है, तो वहीं अब भाजपा इस एक्ट को लेकर बचाव की मुद्रा में आ गई है। इसी कड़ी में आज प्रदेश सरकार के श्रमसेवी नियोजन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिद्धार्थनगर जिले में प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की अपील की है, ताकि लोगों के बीच से इस बिल को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाए। इससे किसी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। सर ये बताइए, जितने भी बीजेपी प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के शासन है वहाँ वहाँ सिर्फ ये इस तरह के उपद्रव हुआ, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है आपकी पार्टी की वहाँ वहाँ ज्यादा उपद्रव हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, ऐसे कि इसके पीछे जहाँ हमारी सरकार वहाँ ज्यादा तोड़फोड़, इसका मतलब है विरोधी पार्टियाँ अपने वोट के लालच में वहाँ ज्यादा सक्रियता दिखाई, वहाँ ज्यादा हिंसक वारदातें कराने की कोशिश की, वहाँ ज्यादा लूटपाट कराने की कोशिश की, वहाँ ज्यादा आगजनी कराने की कोशिश की। यही तो हम बोलना चाहते हैं, नहीं तो विरोधी पार्टियाँ अपनी अपना राजनीति को लूट सुधार करने के लिए मुस्लिम समाज को बहाना बना करके देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमारी सरकार ने